दोस्तों अल्टो VXi है, 2003 का मॉडल है ये, और 15-20 दिन पहले बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था इधर, तो ये इस गाड़ी में जो है पानी आ गया था सीट तक। तो मैं आपको दिखाता हूँ दरवाज़ा खोल के। दोस्तों पानी जो है यहाँ तक, ये जो सीट है यहाँ तक पूरा पानी भरा था। तो कस्टमर ने क्या किया, जहाँ पे पानी भरा था इस गाड़ी में, तो उन्होंने क्या किया था कि पूरा देखिए पानी भी दिख रहा है आपको इधर, तो पानी जब भरा था गाड़ी के अंदर, तो उन्होंने गाड़ी को साइड में लेके जो है इसका कारपेट वगैरह वहीं पे निकलवा दिया था, और पानी जो है काफ़ी कम हो गया, पानी यहाँ भरा था, तो कारपेट वगैरह निकलवा के और किसी तरह गाड़ी चालू करके इन्होंने अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद जो है 15-20 दिन तक गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी। उसके बाद इन्होंने फ़ोन किया कि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, और धक्का भी अगर मार रहे हैं ना तो गाड़ी जो है हिल नहीं रही है। तो दोस्तों इसके पानी जाने की वजह से क्या हो गया था, आप देख सकते हो पूरा टायर जो है जाम हो गया था। जब हम लोग गाड़ी लाने गए थे तो गाड़ी के टायर वगैरह पूरे जाम हो गए थे, और हम बैटरी भी साथ में लेके गए थे। तो बैटरी को जब जंप किया इस गाड़ी में, बैटरी को जब जंप किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक्चुअली स्टार्टर वगैरह में पूरा पानी भर गया था, तो हम लोगों ने गाड़ी को टोचन करके वहाँ से जो है टोइंग करके अपने वर्कशॉप पर लाए। वर्कशॉप पे लाने के बाद जब हम लोग दूसरी बैटरी है ये हमारे पास से एक्स्ट्रा बैटरी इसमें लगाया, और एक्स्ट्रा बैटरी लगाने के बाद भी जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्टर से कोई साउंड नहीं आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ये लोकेशन पे स्टार्टर लगा हुआ है, तो हम लोगों ने जब इसका स्टार्टर खोला तो स्टार्टर के अंदर पानी था, उसके सोलनाइट स्विच में, उसके कार्बन्स में, उसके आर्मेचर में, बैरिंग में पूरा पानी था। तो हम लोगों ने खोल के पूरा उसको और अच्छे से हवा मारा, स्टार्टर पूरा डिसमेंटल कर दिया पूरा A to Z, और उसको अच्छे से हवा वगैरह मार के साफ करके, पॉलिश पेपर मार के, थोड़ा स्प्रे वगैरह मार के पूरा क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद दोस्तों जो है जब इसमें स्टार्टर फिटिंग हुआ तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद जो है अब तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो अब बाकी जो है ओवरऑल चेकिंग करना है। तो अब जो है दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा आया नहीं है, क्योंकि पहले जब गाड़ी पानी में डूबी होती है तो एक बार स्टार्ट होने के बाद समझ में आता है आगे क्या है। 2003 का मॉडल होने के वजह से इसमें ये गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक होती तो ज़्यादा खर्चा आता है, बट ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, जिसकी वजह से स्टार्टर सर्विस करके गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम लोग जो है देखिए इसका बैटरी भी हम लोगों ने यहाँ पर चार्जिंग को लगा दिया है, और चारों ब्रेक खोले हैं, अब चारों ब्रेक को जो है क्लीन करेंगे अच्छे से। तो अब गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, तो अब इसके इंजन के ऑयल और गियर के ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर प्लग भी खोल के रखा हुआ है, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा जो कुछ है अब पूरा सर्विस होगा गाड़ी का। ये इसका एयर फिल्टर है, तो अब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, गियर ऑयल, ये सारा हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। ब्रेक्स वगैरह क्लीनिंग करेंगे, दरवाजे के वाइंडर लॉक वगैरह सारा लुब्रिकेट करेंगे, और इन्होंने जो कारपेट है अंदर का इन्होंने तो खुलवा लिया कहीं पे, अब वो कहाँ पे है वो पता नहीं, उनके घर पे ही होगा शायद से, तो वो अपना वहाँ पे फिटिंग कराएंगे या फिर हमको देंगे फिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों यही है, मतलब जितनी पुरानी गाड़ी उतना कम खर्चा, स्टार्टर सर्विस करके इनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक होता तो फिर ज़्यादा खर्चा आता उसमें, बट इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है। तो यही नॉर्मल रूटीन सर्विस करके और कारपेट जो इन्होंने खोल के रखा है उसको थोड़ा सुखा उखा के लगा देंगे तो इनकी गाड़ी ओके हो जाएगी दोस्तों। तो यही है कि अगर पानी में गाड़ी डूबा है तो आप लोग सबसे पहले बैटरी वायर को यहाँ से खोल दें, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है कुछ शॉर्ट ना हो, और जितना जल्दी हो सके बहुत सारे जगह में गाड़ियों के अंदर जो है ड्रेनेज का बूस दिया हुआ होता है हर जगह जगह। ये देखिए यहाँ पे जो है देखिए रबड़ का बूस है, तो ज़्यादा करके जब भी पानी गाड़ी में भरे तो ड्रेनेज के बूस वगैरह निकाल दें, जिससे पानी फटाक से निकल जाए, और बैटरी वायर तुरंत खोल दें, और उसके बाद जो है सारे सिस्टम को क्लीन करना पड़ता है। बट इसमें कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, तो जिसके वजह से स्टार्टर को सर्विस करके स्टार्ट हो गई गाड़ी, तो अब जो है नॉर्मल रूटीन सर्विस करके और गाड़ी इनकी रेडी हो जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।